एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है और सबसे ज़्यादा महत्व तो भी है लेकिन एकादशी के व्रत में ऐसी क्या खास बात है कि मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है व्यक्ति को जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है धन की मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं एकादशी हर महीने दो बार पड़ती है एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी वैसे बैसाख महीने की एकादशी का सबसे ज़्यादा महत्व है क्योंकि इस महीने की एकादशी तिथि करने से दो एकादशियाँ आएंगी एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की जीवन के तमाम तकलीफ दूर हो जाते हैं लेकिन बाकी के भी पूरे साल की एकादशी का अपना महत्व है हिंदू धर्म शास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं तमाम व्रत और उपवासों में सबसे ज्यादा महत्व एकादशी का है जो महीने में दो बार आती है शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी तो मन और शरीर दोनों को संतुलित करने गंभीर रोगों से रक्षा करने के लिए खूब सारा जीवन में मान सम्मान यश पाने के लिए एकादशी के दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं एकादशी का जो उपवास है वो करने से व्यक्ति का मोह बंधन नष्ट हो जाता है और व्यक्ति प्रभु से जुड़ जाता है भावनाएं जो बहुत निगेटिव हो रही हैं वो समाप्त हो जाती है वैसे एकादशी के दिन आपको पांच तरह के वरदान मिलते हैं चिंताएं समाप्त होती हैं ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है पाप कर्म कम होते हैं मन शुद्ध होता है तरह तरह की दुर्घटनाओं से रक्षा होती है और गौदान के इतना पुण्य भी मिलता है वैसे तो आप भगवान की आराधना जैसे भी करें प्रभु तक पहुंच जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा जो भाव के भूखे हैं भगवान तो आज हम बात कर रहे हैं कि एकादशी के दिन आप अपने नाभि में क्या लगाएं जो जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाए देखिए कोई भी एकादशी हो आप एक छोटा सा प्रयोग करना शुरू कर दें आप देखिएगा आपकी लाइफ बदल जाएगी क्या करेंगे सबसे पहला काम तो जब आप अपने घर की सफाई करके स्नान वगैरह करें फ्रेश कपड़े पहने ये नहीं कि घर गंदा है आपने नहा लिया वैसा मत कीजिए घर की सफाई का विशेष महत्व है तो पूरे घर की सफाई करें शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं और फिर आप स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहनने के बाद गुलाब की इत्र की सीसी ले लें पहले भगवान के चरणों में लगाइए फिर अपनी नाभी में लगा लें छोटा सा प्रयोग है रात में सोने के पहले भी ये प्रयोग कर सकते हैं लेकिन सुबह में जब आप गुलाब का इत्र भगवान के चरणों में लगाकर कर नाभि में लगाते हैं तो धीरे 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 आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है बड़े से बड़े कुंडली में ग्रह भी आपके अनुकूल होने लगते हैं तो गुलाब का इत्र अब मान लेते हैं आपके पास नहीं है आपके पास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं फिर आप चंदन तो होगा आपके घर में चंदन घिस लें और उसको ही नाभि पर लगाए रात में सोने के पहले एकादशी तिथि के दिन एक तुलसी के पत्ते पर हल्दी से श्रृंग लिख कर पर रख कर सो जाइए भगवान के दर्शन होते हैं सच्चे मन से कीजिएगा और भगवान आपके समस्याओं का समाधान शीघ्र करते हैं बहुत सिंपल प्रयोग है लेकिन एकादशी के दिन करने से इसका आपको क्विक रिजल्ट मिलते हैं लेकिन एक और चीज़ है जब भी कोई भी प्रयोग करें सात्विक रहिएगा सारा दिन भगवान का स्मरण कीजिए उनका सुमरन कीजिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं आप इस दिन भगवान के तमाम तरह के स्तुति हैं उनको कीजिए आपको लाभ जरूर मिलेगा फिलहाल बिला लेंगे हर हर महादेव